बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपको पता है जेडीसी को लोग ईद के कपड़े देते हैं। जेडीसी तकरीबन 2 लाख जोड़े हर साल उन लोगों के घरों में पहुँचाती है कि जो ईद के जोड़े नहीं खरीद सकते। और अगर आपको देखना है इस साल, तो अगर किसी भी गरीब बाजार जाएंगे तो मार्केटें खाली पड़ी हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। हमें शायद इस साल 10 लाख जोड़ों की जरूरत पड़े। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहन आई है, अस्सलाम वालेकुम बहन। किस इलाके से आई है बहन? शालतीफ टाउन। बहन क्या लेकर आई है इस थैले में? ये कपड़े, मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया, 3 साल की मेरी बेटी थी, मेरे भाई की शादी थी, मैंने बहुत उसके लिए अरमानों से ये चूड़ियाँ ये सब कुछ इसके लिए लिया। कैसे हुआ आपकी बच्ची का इंतकाल? कैसे हुआ? वो हार्ट पेशेंट थी, दिल में उसके सुराख था, दिल के वाल भी बंद थे, उसके दिमाग भी छोटा था। ये सब कपड़े आपने उसके लिए नए बनाए थे? जी, ये सब नए, जो पुराने थे वो मैंने हटा दिए, ये उससे नई पहने। देखिए कितना प्यारा ये छोटा लगे हुए सूट है। और अच्छा, ये मेहंदी के लिए लिया था? मेहंदी, भाई की मेहंदी के। ये देखें चूड़ियाँ कितनी प्यारी प्यारी हैं, ये देखें कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं। ये भी फ्रॉक है, ये मैंने बारात के लिए लिया था, उसके ये लोन पे है, ये जूते मैंने। ओए होए, इतनी बड़ी मेरी बच्ची है, ये इससे थोड़े से बड़े पाँव होंगे उसके। देखें कितने प्यारे जूते हैं, पहले भी नहीं इतनी वो खुश हो रही थी जब हम लेके आए थे, इसे लगा लगा के वो खुश हो रही थी। इलाज हम उसका नहीं करवा पाए पहले, इलाज ना होने की वजह से मर गई। पहले बेटा था, चीज बहुत ज्यादा रो रही थी, ये भी साथ में छोटा था, तो ये चीजें मैं लेके आई। अच्छा, ये किसको देना है बहन? जो बच्चे ईद नहीं मना सकते आप उनको दीजिएगा। जो बच्चा ईद नहीं मना सकता वो नए कपड़े नहीं पहन सकता ही आप उनको दे। देखिए बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। देखें क्या मैसेज दे रही है खातून, कि इनकी बच्ची थी 3 साल की और उसका इंतकाल हो गया और वो नए कपड़े नहीं बना सकी और अब वो नहीं पहन सकी कपड़े, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये उन तक पहुँचाएंगे। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। पता नहीं कितने लाख खानदान इस बार ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को ईद के जोड़े नहीं दिला पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को जरूर याद रखें उसके अंदर, अपने गरीब मोहल्लेदारों को, और अगर कोई नहीं मिलता तो जीडीसी तक पहुँचा दीजिएगा।